हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जामिनेशन की कैलेंडर डेट आ चुकी है। ये मैं डेट आपको दिखा देता हूं, पूरा कैलेंडर यहां पर जारी हो चुका है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का आपका यहां पर एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। 12 अप्रैल 2021 से लेकर के 27 अप्रैल 2021 तक आपके एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद 21 मई से लेकर के 22 मई तक होंगे एग्जामिनेशन उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया है एग्जामिनेशन सेंटर एज ए वेस्ट बंगाल। तो यहां पर पूरा कैलेंडर जारी हो गया है 12 से 27 अप्रैल के लिए, बाकी सभी के यहां पर एग्जामिनेशन होने हैं। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, या फिर इसके सेंट्रल रीजन पर जा करके एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, ये एप्लीकेशन कहां देखना है आपको, और ये शेड्यूल कहां देखना है, कैलेंडर कहां देखना है, सब मैं आपको बता देता हूं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यहां पर वेबसाइट खुली हुई है, लेकिन यहां पर अभी बिल्कुल भी लिंक नहीं आया हुआ है। आपको जाना कहां है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेबसाइट की सेंट्रल रीजन की वेबसाइट खुली हुई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ssc.org/ssc-cr.org ये इसकी वेबसाइट है। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन का है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा कैलेंडर आपके सामने यहां पर खुल करके आ जाएगा। और देखिए कैलेंडर में लिखा हुआ है 12 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक आपके एग्जामिनेशन CHSL के होने वाले हैं। आपको डाउनलोड कैसे करना है, अपना स्टेटस कैसे चेक करना है प्रवेश पत्र का यानी कि एडमिट कार्ड का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसी वेबसाइट पर आप आएंगे, देखिए स्टेटस ऑब्लिक डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन टायर 1 का टू बी हेल्ड फ्रॉम 12 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक होगा। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये एक आगे रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर विशेष निर्देश दिए हुए हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि कृपया अभ्यर्थी ध्यान दें कि परीक्षा में बैठते समय उनके पास एक मूल फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें वही जन्मतिथि होनी चाहिए जो उनके पास उन्होंने भर रखा है फॉर्म में। फुल मूल फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि नहीं दी है तो अपने अभ्यर्थी के पास अपने जन्मतिथि के साक्ष के रूप में कोई अलग प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रवेश प्रमाण पत्र और जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लाए गए जो भी प्रमाण पत्र आएंगे उसमें फोटो जरूर उल्लिखित होने चाहिए और डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। अब स्टेटस कैसे चेक करेंगे, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, यहां पर देखिए क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए किस रीजन में आप दिए हैं और सारे रीजन का यहां पर खुल करके आ जाएगा कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम, सारे रीजन यहां पर खुल करके आ जाएंगे। सब रीजन आएंगे, वेस्ट बंगाल की पोर्टल आ जाएंगे। आप यहां पर जाकर के अपने रीजन के में भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर प्रोसीड नाउ भी कर सकते हैं। जैसे इस प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर प्रोसीड नाउ करेंगे, देखिए मैं यहां पर बैक करके एक बार दिखा देता हूं कि देखिए यहां पर बोला क्लिक नाउ प्रोसीड फॉर इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर सेंटर इज यूपीएन बिहार। यूपीएन बिहार वालों का अगर आपको यहां पर डाउनलोड करना है तो आप प्रोसीड नाउ पर करेंगे। बाकी सभी के लिए देखिए वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट के पोर्टल पर जाकर के आप देख सकते हैं। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहां पर आएंगे आपके देखिए पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना है और तभी आपका यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपको पता है आप लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर लिख देना है, एग्जामिनेशन सिटी आपने कैसे सेलेक्ट करा है आप यहां पर लिख देंगे, कैप्चा फिल करके सर्च कर लेंगे, आपके सामने आपका ये खुल करके आ जाएगा। रोल नंबर पता है आपके पास, डेट ऑफ बर्थ पता है और एग्जाम सिटी पता है, और यहां पर मतलब रोल नंबर पता है तो आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। अगर रोल नंबर भी नहीं पता है तो नेम डालिए, फादर नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, इफ यू ऑप्टेड एट फर्स्ट सिटी एग्जामिनेशन उसको डाल दीजिए, कैप्चा फिल करके यहाँ पर सर्च करिए। तो कई मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आप यूपी और बिहार से हैं तो आप यहाँ पर जाकर के तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि वहां पर जाकर के आप यहाँ पर स्टेटस आपका बता देगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। 12 अप्रैल से एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, आप लोग सभी लोग जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम सेंटर देख लीजिए और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरी ओर से बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सबको हमारा चैनल बहुत ही बधाई देता है और यहाँ पर शुभकामनाएं देता है कि आप जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी करके इसमें बिल्कुल भी पास हो पाएं।